अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुड़ गावे आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर मैया भीर पड़ी है भारी, मैया भीर पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट करो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखे कोने वार की। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पुत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखे कोने वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज वाली सतियों के सत्य को मारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी नवरात्रा, नवरात्रा की सभी को शुभकामनाएं। वाह फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौर में हम आज लेकर आए हैं आपको नया लेक्चर बीटेक के लिए, और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं कोहेरेंस के कुछ। तो आज बात करते हैं इस लेक्चर में, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया वाह फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो उसको लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, तो बात करते हैं आज साइज ऑफ द सोर्स एंड स्पेटियल कोहेरेंस। तो यहाँ ये फॉर्मूला है हम पर, डब्ल्यू सी इक्वल टू स्मॉल एम लैम्डा एस डिवाइड बाई कैपिटल डी। तो यहाँ पर ये स्पेटियल कोहेरेंस को डिटरमाइन कराया जाता है, इससे निकाला जाता है, और जो डब्ल्यू सी है वो क्या है, कोहेरेंस विड्थ है इसमें, और स्मॉल एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सोर्स शेप डिपेंडेंट है, सोर्स की शेप पर डिपेंड करता है स्मॉल एम। और कैपिटल ये एस दिख रहा है आपको, कैपिटल एस ये क्या है आपका, ये है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, सोर्स से कितना डिस्टेंस है ये दिखाता है कैपिटल एस। और कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द सोर्स है, लैम्डा वेवलेंथ है यहाँ पर। इसी तरह ये एक छोटा सा और डेरिवेशन है, क्यू फैक्टर फॉर लाइट। तो इसकी बात करते हैं हम आज, क्यू फैक्टर फॉर लाइट। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमको मालूम है, क्यू इक्वल टू क्यू क्या है, क्यू फैक्टर इज मेजर ऑफ द फाइनाइट प्रायोरिटी इन स्पेक्ट्रल लाइन एंड इट्स गिव्स दिस फॉर्मूला क्यू इक्वल टू लैम्डा ओवर डी लैम्डा डेल्टा लैम्डा। तो जहां पर एलसी हमने पुराना जो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का लेंथ का जो लिया था कोहेरेंस लेंथ इन वेवलेंथ, वहां से फॉर्मूला लिया है एलसी बराबर लैम्डा स्क्वायर ओवर डेल्टा लैम्डा, देन एलसी को लैम्डा बाय लैम्डा लैम्डा स्क्वायर पे यहां लिख दिया हमने, लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइड बाय डेल्टा लैम्डा। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया, और लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा को कर सकते हैं यहां से ये क्यू ले सकते हैं। तो ये जो यूज है वैल्यू इसको हमने यहां कर लिया यूज, और इसकी वैल्यू हमने क्या लगा दी है, ये क्यू लगा दी है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, एलसी इक्वल टू लैम्डा क्यू। सो दिस रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द कोहेरेंस लेंथ एंड क्यू फैक्टर। चलिए अब न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल यहां लिखा हुआ है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम हैव एवरेज वेव ट्रेल लेंथ ऑफ 20 वेव्स, डिटरमाइन इट्स कोहेरेंट टाइम एंड क्यू वैल्यू। इसका क्या निकालना है आपको, कोहेरेंट टाइम निकालना है, टॉसी निकालना है, और क्यू वैल्यू निकालनी है, मतलब क्यू फैक्टर फॉर लाइट निकालना है। और लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कितना है इसको यहां लिख सकते हैं आप गिवन डेटा को। तो लैम्डा कितना हो गया आपका, 6000 एंगस्ट्रॉम है, और इसको हम मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई 10^-10 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और सी का वैल्यू हम लगा सकते हैं इसमें, देखिए सी का जो वैल्यू लगा सकते हैं, लाइट का वैल्यू कितना होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये लगा दीजिए, और जो फॉर्मूला लेंगे एल सी निकालेंगे, कोहेरेंस लेंथ निकालेंगे एल, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज लेंथ कह लीजिए, सॉरी एवरेज लेंथ
length of wave trends. Average length of wave trends. और wave trends कितनी है यहां पर देखिए, ये wave trends की बात करें तो कितनी wave trends यहां देखिए दिया हुआ है 20 है, यहां पर कितनी है 20 waves है. तो 20 waves मतलब 20 lambda, ठीक है. तो यहां बात होगी 20 मल्टीप्लाई लैम्डा करेंगे, लैम्डा कितना है 6000 मल्टीप्लाई 10^-10 मीटर. तो ये आपका आ जाएगा देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1.2, कितना आएगा ये 1.2 मल्टीप्लाई 10^-5 मीटर. तो ये हमारा कैपिटल एल की वैल्यू आ गई 1.2 मल्टीप्लाई 10^-5 मीटर. अब इसके बाद जो निकलवाया था कोरेंस टाइम निकलवाया, तो कोरेंस टाइम में जो फॉर्मूले लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एल बराबर 100 t, तो एल बराबर लगा दीजिए, एल बराबर क्या लगाएंगे, एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टॉसी मल्टीप्लाई सी. तो टॉसी निकलवाया है, टॉसी आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एल ओवर सी. एल कितना है आपका देखिए 1.2 मल्टीप्लाई 10^-5 मीटर, ठीक है. और सी कितना है 3×10^8. तो ये आपका टॉसी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टॉसी जो आएगा 4× कितना आएगा, लगभग 4×10^ कितना आएगा 10^-14 सेकेंड. ये आपका जो है ये आ जाएगा टॉसी की वैल्यू, ठीक है. अब इसके बाद क्या निकलवाता है, क्यू निकलवाता है. तो क्यू के लिए लैम्डा क्यू के बराबर क्या करेंगे, क्यू बराबर ये फॉर्मूला आया है एलसीयू बराबर लैम्डा क्यू. अब यहां पर लगा दीजिए एलसीयू बराबर लैम्डा ओवर क्यू. तो क्यू निकलवाया है तो एलसी ओवर लैम्डा लगा दीजिए जरा. एलसी कितना हो जाएगा, एल कितना आया है, एल एलसी एल कितना आया है देखिए, एलसी एल जो आया है ये आया है, ठीक है. इसको हम एलसी भी कह सकते हैं, आप एलसी कहना चाहें तो एलसी भी कह सकते हैं. तो एलसी, तो एलसी को लगा दीजिए, यहां भी एलसी रखिए फिर, ठीक है. तो एलसी कितना आया देखिए 1.2 मल्टीप्लाई 10^-5 डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 6000, कितना है 6000. तो 6×10^-7, ठीक है. अब इसको लगाइए कितना आएगा, लगभग लगभग ये क्यू हमारा 20 के बराबर आ जाएगा लगभग. तो इस तरह से इसका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा, आपका क्वालिटी फैक्टर फॉर लाइट 20 आ जाएगा और टॉसी की वैल्यू 4×10^-14 आ जाएगी. अब दूसरा मेडिकल करते हैं, द स्पेक्ट्रल स्पीड ऑफ ए रेड कैडमियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 694.3 nm इज 0.001 nm, कैलकुलेट स्पेक्ट्रल प्योरिटी फैक्टर एंड कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम. तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है. तो क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे देखो लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा. लैम्डा कितना है अपना, लैम्डा बताइए 6964.3 nm. nm का मतलब क्या हो गया, nm का मतलब हो गया हमारा ये, और ये डेल्टा लैम्डा कितना है 0.001 नैनोमीटर हो गया मतलब, ठीक है. और तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए 6.943×10^ कितना आएगा, -10^ कितना आएगा 10^5, ठीक है. 10^ कितना आ रहा है 5 आ जाएगा. तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई. इसके बाद क्या निकालेंगे, L निकालेंगे, L निकालिए, L कितना होगा, L के लिए करेंगे लैम्डा और Q. लैम्डा कितना है 694×3 और मल्टीप्लाई Q. Q कितना आया है 6.943×10^5. तो ये आपका L जो आ जाएगा वो आएगा लगभग 0.482 मीटर आएगा ये एल. देन उसके बाद क्या निकलवाता है, कोरेंस लेंथ आ गया, कोरेंस टाइम. कोरेंस टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टॉसी बराबर एल ओवर सी. तो एल कितना है 0.482 और सी कितना है 3×10^8. इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 1.6×10^-9 सेकेंड. तो ये आ गया आपका आंसर एक, ठीक है. टॉसी आ गया, एल 0.482 आ गया और Q हमारा कितना आ गया 6.943×10^5 आ गया, ठीक है. तो ये न्यूमेरिकल्स कैसे लगे आपको, कैसा समझ में आया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच. अच्छे लगे हो तो लाइक करना नहीं भूलें आप लोग. थैंक यू.